और बड़ी बड़ी चीज़ तो तुम समझ लोगे, लेकिन छोटी चीज़ तो समझ लो सबसे पहले, तब तो बड़ी चीज़ समझ पाओगे आप। जो सफल व्यक्ति होता है वो सफल होता ही क्यों चला जाता है, कभी अंदाज़ा लगाया आपने? जो सफल व्यक्ति होता है ऑटोमेटिकली सफल होता ही क्यों चला जाता है, वो इस सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी, चौथी, पांचवी से छठी। हाँ, वो सफल ऑटोमेटिकली क्यों होता जाता है? जब वो सफल नहीं था, जब वो डगमगाया, गिरा पड़ा, पहली सीढ़ी में था वो, इतना कमज़ोर था, सब कुछ था, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, कॉन्फिडेंस लेकर आया, सब कुछ लेकर आया, सब कुछ किया उसने, पहली सीढ़ी में सब कुछ किया उसने, पहली सीढ़ी में। जब वो उसकी पहली सीढ़ी पार हो गई तो ऑटोमेटिकली उसने पीछे देखना छोड़ दिया। वो पीछे देखना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं देख पाता है वो, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। इसीलिए जो पहली सीढ़ी होती है ना, बहुत दुखद होती है आपके लिए, बहुत भयानक होती है, और बहुत तकलीफ़ों से भरी होती है, बहुत कठिनाइयों से भरी होती है। और जब वो सीढ़ी पार हो जाती है पहली वाली, तो बाकी सीढ़ी चढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो आप फिर आप। इसलिए सफल व्यक्ति आगे चलता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, सफल होता जाता है, क्योंकि वो पीछे नहीं देखता है, उसको वक्त नहीं मिलता है पीछे देखने का, तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा वो। आप लोगों में जितना भी तगमगा होता है, जितना भी डगमगाते हो, जितना भी कन्फ्यूज़न होती है, जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह फेस होती है, जितना भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप सिंपल सा काम कीजिए ना, आप घबराइए मत। थोड़ी सी सफलता मिली आपको, थोड़ी सी असफल हो गए आप, थोड़े से फिर से सफलता मिली, थोड़ा सा फिर से असफल हो गया। असफल को देखते हुए यार बोलते, यार मैं से ये नहीं हो पाएगा यार, अरे वो छोड़ दो यार, वो चीज़ें करना छोड़ दो आप। ध्यान दो सिर्फ अपनी मंजिल पे, गिरता पड़ता रहेगा। चींटी को देखा है? चींटी को देखा है आपने लोगों ने कभी? दीवार पर चढ़ने की कितनी कोशिश करती है, कितना कुछ करती है। एक चींटी है जो गुड़ लेके जा रही है, दीवार पे चढ़ रही है, गुड़ की डली, बार बार चढ़ रही है, बार बार गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, बार बार गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, बार बार गिर रही है, आखिरकार चढ़ गई है, वो निकल गई है। तो उससे सीख सकते हो, उससे कुछ समझ सकते हो आप लोग, चींटी से कुछ समझ सकते हो आप लोग। आपकी पहली सीढ़ी में बार बार ऊपर चढ़ोगे, बार बार नीचे गिरोगे, बार बार ऊपर चढ़ोगे, लेकिन जब ऊपर चढ़ जाओगे ना आप, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी में ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ते चले जाओगे, पीछे आप देख ही नहीं पाओगे, ऑटोमेटिक चढ़ोगे आप। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ी पावर है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी पावर होती है। चींटी जब ये कर सकती है, अरे वो तो चींटी है लेकिन हम तो फिर भी इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप भी कर सकते हो वो सब कुछ जो आपने सोच रखा है अभी। तो मेहनत करना स्टार्ट हो जाओ, मेहनत करो, और इस तरह से मेहनत करो सब कुछ देखकर हैरान हो जाए। सुन रहे हो? यही चीज़ है, यही समझाना चाहता हूँ मैं आपको और आप लोगों को, और समझा रहा हूँ मैं यही चीज़। समझ लो मेरी बात, कुछ समझ में आई तो कान में, उस चींटी जैसा तो बन जाओ, कम से कम अपने आप जैसा नहीं बनते हो, चींटी जैसा तो बन जाओ। जब जिस दिन बन गए, उस दिन आपको पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं दिखेगा, बोल रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस करता हूँ मैं खुद अपने ऊपर, तो मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, एक्सपीरियंस होता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से, खुद कुछ सीखता हूँ मैं अपनी लाइफ से, और वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। फिर जो मैं कुछ नहीं सीख सकता हूँ, जो मेरे को खुद को पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है, वो चीज़ मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ? उसका जुनून अलग है, उसकी खुशी अलग है, उसकी मिठास अलग है, उसमें नहाना ही कुछ अलग होता है। अरे नालियो कुछ नहीं पीड़िया, थोड़ा तो
चैनल ने सपोर्ट कर जो यार, बहुत ज़रूरत है ताकि सपोर्ट की, चैनल बहुत सपोर्ट मांग रही हो ताको, चैनल को सपोर्ट करो ये भाई, जितना हो सके उतना सपोर्ट कर दो, नहीं तो फिर देसी पना स्टाइल अपनाऊंगा फिर। सपोर्ट करो चैनल को, जल्दी सपोर्ट करो, और आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, किसी भी चीज़ से मोटिवेट होना चाहते हो कमेंट में लिख दो, सिर्फ सर इस पे टॉपिक पे वीडियो बना दो, आप उसी पे वीडियो लो फिर, आप लोगों का क्वेश्चन मेरा जवाब, ओके सपोर्ट करो चैनल को प्लीज़, ओके।